अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक और प्लांट इन फोकस के एपिसोड के अंदर मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट, जिस तरह से मैंने मनी प्लांट की वीडियो के अंदर कहा था। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैंने यहाँ लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने उसके अंदर बताया था कि जब भी हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है यहाँ पर हमारे पास या तो मनी प्लांट की होती है या फिर इस ज़बरदस्त प्लांट जो कि है एलोवेरा। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम यही करते हैं कि यार या तो पहले मनी प्लांट ले लें या फिर एलोवेरा ले लें, क्योंकि हमें यही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर हर घर के अंदर जो है वो तकरीबन ये मौजूद होता है। और क्यों ना हो भाई, कि इतना ज़बरदस्त प्लांट है, मतलब खाने के अंदर, पीने के अंदर, ठीक है जी, मेडिकल प्रोडक्ट्स के अंदर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। मैं अगर उसकी वीडियो बनाने बैठूँ तो मेरा मतलब के अपलोड करने का इतना टाइम लग जाए, आप बैठ के उसको देख देख के जो है वो थक जाएँ। इतनी सारी चीज़ें हैं, अल्लाह की क्या कुदरत है, इस एक पौधे के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें जो है वो छुपा रखी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक हाउस प्लांट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये एक सकुलेंट प्लांट है, और सकुलेंट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने अंदर पानी को स्टोर करता है। तो हम जब इसको ग्रो करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो पानी से रिलेटेड होती है, जो कि ओवर वाटरिंग होती है। तो उसी की आज हम बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली हम इसको हाउस प्लांट के तौर पर रख सकते हैं। एयर प्योरीफाइंग के अंदर ये बहुत अच्छी रैंकिंग के अंदर है। इनडोर आउटडोर दोनों के तौर पर जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं। अगर सर्दी ज़्यादा है तो वहाँ पर देखेंगे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पर अलग कंडीशंस होती हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। एलोवेरा या एलोवेरा बारबाडेंसिस, ये एक इसकी टाइप है एलोवेरा की। वैसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो है वो इनकी वैरायटीज़ होती हैं, कलरफुल होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो एक कॉमन जो है वो एलोवेरा की यही टाइप हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लोकल नर्सरीज के अंदर जो है वो अवेलेबल भी होती है। और इसकी अगर हम बात करें ग्रोथ की तो बहुत ही आसान है ग्रोथ इसकी। तो इसकी कुछ चीज़ों को जो मैं आज बता रहा हूँ आप उसको देख लें और उसको फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह आपके भी जो है वो इसी तरह से बहुत अच्छे से जो है वो ये एलोवेरा यहाँ पर जो है वो ग्रो होंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये जो मेरे पास एलोवेरा मौजूद है यहाँ पे, और मैंने एक वीडियो बनाई थी एलोवेरा रिपोर्टिंग की, और उसके अंदर जो मैंने कटिंग्स पप्स जो है अलग करके सेपरेट करके लगाए थे पॉट्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं साथ में अगर इसको वीडियो दिखा सकूँ आपको तो ये वही जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और अब आप इसके देख सकते हैं कि ये लीव्स जो है वो कैसे हैं। इसके जो है वो स्टार की तरह जो है वो लीव्स ग्रो होते हैं, मतलब हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो इसका लीव जा रहा होता है। और कुछ अगर मैं दिखाऊँ, ये इस तरह से जो है वो इसके स्टार की तरह जो है वो लीव्स होते हैं। और इसके जो एजेस होते हैं यहाँ पर, ये थोड़े से जो है वो स्पाइकी थॉर्न्स की तरह जो होते हैं, ये कांटेनुमा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इस चीज़ को जो है वो आपने यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पॉइजन मौजूद होता है। तो हम जो इसके बीच में जो जेल होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो जेल है वही सारे इसका गेम है, और यही सारी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो बात करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले बात करते हैं वाटरिंग की। सकुलेंट सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो पानी से होता है। देखें, आपको प्यास लगी है, आपने पानी पी लिया, कितने पानी पी सकते हैं, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, लेकिन एक लिमिट होगी जब आपकी लिमिट जो है वो प्यास की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब सकुलेंट के अंदर अपना खुद का एक स्टोरेज सिस्टम होता है पानी का, तो ये अपने अंदर एक पानी की जो है वो स्टोर कर सकता है। और आप जब इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो ओवर वाटरिंग, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एलोवेरा को या सकुलेंट को, वो ओवर वाटरिंग होती है। तो पानी का मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान फार्मूला, क्योंकि अभी देखें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ इस काम का, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे भी यही प्रॉब्लम सारी होती थी, पानी से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं चलता था यार किस पौधे को जो है वो कितना पानी देना है। लेकिन जब से मैंने ये एक फार्मूला अप्लाई किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो गई है। कि सोक एंड ड्राई का सीन आपने चेक करना है, मिट्टी आपने चेक कर लेनी है कि कितनी मिट्टी जो है वो आपकी ड्राई है। अगर पूरी तरह से ड्राई नहीं है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे महीना हो जाए पूरा, लेकिन पानी आपने नहीं देना जब तक आपको उसकी सॉइल पूरी तरह से ड्राई नहीं दिखती। आप ड्राई होने दें उसकी सॉइल को, फिर आप उसको अच्छे से पानी दें, फिर ड्राई होने दें, फिर अच्छे से पानी दें। ये सर्कल अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आपका कोई भी प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी गारंटी से। तो ये चीज़ जो है वो आपने फॉलो करनी है इंशाल्लाह इसको। तो बहुत सारे लोगों के जो है वो प्लांट्स जो है वो ख़राब हो रहे होते हैं एलोवेरा के, इसके जो है लीव्स जो है वो बहुत ही थिक होते हैं। और अगर मैं ये टच करके आपको नहीं दिखा सकता, अभी आपको तो मैं फील नहीं करवा सकता, लेकिन मैं खुद इसको टच कर रहा हूँ तो ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये लैगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और नरम होते होते इनके जो यहाँ छोटी सी स्टेम होती है वहाँ से ये फिर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ओवर वाटरिंग जो है वो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आपने सिंपल फार्मूला सोक एंड ड्राई का फॉलो करना है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो होगा ये।
अच्छा, दूसरी बात करते हैं लाइट की। तो लाइट जो है वो इनको आपने ब्राइट स्पॉट देना है। अगर आप इसको डार्क एरिया में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो ये नहीं चलने वाला भाई। तो इसको आपने ब्राइट स्पॉट देना है। कहीं आप इसको जो है वो कुछ घंटे की धूप भी दे सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन जो दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, वहाँ आप इसको ना रखें, क्योंकि वहाँ पर ये जो इसके लीव्स के जो एजेस हैं ये ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि हम जो है वो धूप पसंद नहीं कर रहे, आप इसको बहुत ज़्यादा धूप दे रहे होंगे, इसीलिए ये जो यहाँ से जो इसकी ये जो टिप्स हैं यहाँ से जो है वो ये ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन परेशान होना नहीं है आपने, आप इसको उठा के रख दें छाँव में दोबारा से, डार्क एरिया में थोड़ा सा आप इसको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से हटा दें, तो इंशाल्लाह ये जो है वो आपके लीव्स बिल्कुल दोबारा से सेट हो जाएंगे। तो लाइट आपने देनी है ब्राइट, इनडायरेक्ट लाइट देनी है, और अगर सनलाइट दे रहे हैं तो कुछ घंटे के लिए जो सुबह की या शाम की जो धूप होती है वो सबसे बेस्ट है, आप वो दे सकते हैं। ह्यूमिडिटी की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही सकुलेंट प्लांट है और ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही ढीठ पौधा है, और ये टॉलरेट कर लेता है हर चीज़ को, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है और डेजर्ट के अंदर कहाँ ह्यूमिडिटी होती है, तो इसीलिए इसको कोई ख़ास ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दो चार हफ्ते या एक दो हफ्ते या दो चार दिन के बाद जो है वो आप इसको स्प्रे कर लें या इसको शावरिंग कर दें इसकी, तो बेहतर रहेगा। टेम्परेचर जो सबसे बेहतरीन इसका जो आइडियल टेम्परेचर है वो 15 to 25 जो है वो इसका टेम्परेचर सबसे आइडियल टेम्परेचर है। अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर इसका पानी जो है वो आपने अगेन बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी है, पानी आपने नहीं देना है इसको, वरना ओवर वाटरिंग से इसके सारे लीव्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ये जितने अच्छे लीव्स इसके आपको अभी लग रहे होंगे यहाँ पर, और अगर मैंने इसको ज़्यादा पानी दे दिया तो ये वही के वही जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। इसकी जो है वो रूटिंग, जो रूट रॉट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है इसका, तो उसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, प्रोपगेशन की अगर बात करें तो प्रोपगेशन बहुत ही आसान और इंतहाई आसान है। वो क्यों? क्योंकि जैसा जैसा आपका एलोवेरा का प्लांट मैच्योर होता है, उसके नीचे से जो है वो पप्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके छोटे छोटे जो है वो यहाँ से नीचे से अगर आप देखें ये पप्स मौजूद हैं, और ये क्योंकि ऊपर वाला बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, इसके लीव्स काफ़ी भारी हैं, हैवी हैं, तो इसीलिए ये बेचारे जो है वो अंदर दब के रह गए हैं। तो इनको अभी हम सेपरेट करते हैं। इनका जो है वो सेपरेशन होती है इनकी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर मैं ये ट्रे ले आता हूँ, और अगर मैं ये आपको इनको सेपरेट करके दिखा सकूँ, आराम से इसको हमने निकाल लेना है पॉट से, इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसको। और ये हालात इसके चल रहे हैं जी, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं सेपरेट करके दिखाऊं, तो ये बहुत ही आसान है। इनकी रूट्स जो है वो अटैच हुई होती हैं, बेसिकली ये रूट्स से जो है वो निकलते हैं इनके, तो आपने सिंपल ये काम करना है, आपने इस तरह से जो है वो इनको सेपरेट कर लेना है। बहुत ही आराम से देखें ये इस तरह से निकल के आ जाएगा, इसके पूरे जो है वो पूरा एक रूट स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर। ये वाला भी देखें, ये आराम से निकल के आ गया है, ठीक है जी। और कौन है यहाँ पर, ये हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह से ये आराम से जो है वो मैं इसको निकाल रहा हूँ। अभी और भी इसके नीचे से जो है वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ से, और एक इस साइड से भी जो है वो हो रहा है, तो और भी जो है वो काफ़ी सारे इसके अंदर जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो हम इसको अभी इसको तो यहाँ लगा देते हैं हम, आप ज़रा इधर खड़े हो जाएं भाई, और इनको जो है वो हम छोटे पॉट के अंदर लगा देते हैं। यहाँ से मैं इसका जो है वो थोड़ा सा पॉट रेडी करके, क्योंकि ये काफ़ी इसका बड़ा साइज़ है। ये लीफ टूट गया है, कोई नहीं, हम इसको यूज़ कर लेंगे किसी चीज़ के लिए। और यहाँ पर हम इसको जो है वो इस तरह से सॉइल इसकी डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है वो इसको प्रोपगेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है वो पॉट रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं इसको भी रेडी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इन दोनों को जो है वो एक पॉट में ही लगा रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए, अच्छा सॉइल की अगर साथ साथ मैं इसकी बात करता जाऊँ, तो सॉइल कोई इसके अंदर कोई ख़ास सॉइल आपने यूज़ नहीं करनी कि जी कैक्टस मिक्स सॉइल हो, ये हो, वो होनी चाहिए। आप सिंपल जो सॉइल यूज़ करते हैं, और ये जो भी आप मेरे देख रहे हैं एलोवेरा, कोई ख़ास इसके अंदर सॉइल नहीं है। तो ये दो पॉट्स हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं, साथ ही साथ इनके अंदर हम पानी भी ऐड कर देते हैं, ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो जाए। फर्स्ट टाइम क्योंकि हम जब पानी देते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना होता है, तो ये जो है हमारे दो पॉट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। ड्रेनेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो अगेन आपका जो है वो ओवर वाटरिंग का सीन होगा।
अगर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि जी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, पॉट्स हमारे जो है वो प्लांट के इस तरह से हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, लेकिन वो हर चीज़ चेक कर लेते हैं, नीचे ड्रेनेज होल चेक नहीं करते। तो काइंडली जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम करता हुआ दिखे प्लांट, उसका ड्रेनेज होल पहले आप चेक कर लिया करें कि वो आपका ड्रेनेज होल जो है वो प्रॉपरली मौजूद है, उसके अंदर सही से ड्रेनेज हो रही है या नहीं हो रही, तो चेक करें। अच्छा जी, तो जल्दी से एक समरी बताते चलूँ आपको, वाइंड अप करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वाटरिंग। पानी उस वक्त देना है जब मिट्टी ड्राई आपको दिखे, उसके बाद आपने पानी नहीं देना। जब पूरी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए फिर आपने पानी देना है। लाइट, डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट देंगे। अंधेरे में नहीं रखना, अंधेरे में रखेंगे जितनी कम लाइट देंगे लीव्स ख़राब हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी की कोई खास ज़रूरत नहीं है, प्रोपगेशन बहुत ही इजीली आप इनके पॉक्स को सेपरेट करके जो है वो प्रोपगेट कर सकते हैं इसको। टेम्परेचर आइडियली जो टेम्परेचर होता है वो 15 to 25 होता है, तो बहुत ही आसान है इसे ग्रो करना। और इसका जो जेल होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं इसके कि जी एलोवेरा की फ़्रेश जेल आप ले लें, कोई फ्रेश नहीं होती। मेरे मुताबिक तो मुझे तो नहीं लगता कि फ़्रेश होगी। आप अपना एक एलोवेरा का प्लांट लें, उसको अच्छे से ग्रो करें। अब देखें ये कितना थिक लीव्स है, और अभी जो मैंने बनाई है एलोवेरा की स्टेक बनाकर आपको दिखाई है, तो वो एलोवेरा का जो जेल है वो आप अपना प्लांट का जो है वो फ्रेश जेल यूज़ करें और बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। और वो जो जेल होता है वो थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसके तो पता नहीं कितने एक्सपेंसिव आप जो है वो इसके ये प्लांट्स ले सकते हैं, तो बहुत ईजिली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट देकर, और कमेंट से जो है वो आप ये पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।